नीतीश कुमार जी अपने पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है, दिक्कत कहीं नहीं है। हमने ये कहा है कि चार पार्टियों के गठबंधन की सरकार है और सभी चारों के चार विचारधारा है, इसलिए पार्टी को और मजबूत करने के लिए हम सबसे नंबर वन कैसे हो। नमस्कार, बिहार के डिजिटल मीडिया का जनक भारत लाइव देख रहे हैं आप। जैसे ही उपेंद्र कुशवाहा जी को जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया गया है, इसके बाद बिहार की सियासी सरगर्मी जो है उसमें गर्माहट तेज हो गई है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार के ही कुशवाहा मंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, बीजेपी कोटे से आते हैं, अक्सर अपने बयानों को लेकर के चर्चा में रहते हैं। लेकिन जब उपेंद्र कुशवाहा जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जदयू का नहीं बनाया गया, इसके बाद उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि नीतीश कुमार जी जो है पीएम मटेरियल हैं, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं। इस पर जवाब देते हुए नीतीश सरकार के बीजेपी के कुशवाहा मंत्री सम्राट चौधरी जी ने स्पष्ट किया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार जी पीएम मटेरियल हैं, लेकिन वे जदयू के पीएम मटेरियल हैं। इसके पीछे उन्होंने इस बात की दलील दी कि जो एनडीए के जो नेता हैं बीजेपी की ओर से, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पीएम मटेरियल हैं और अभी जो है कोई वैकेंसी खाली नहीं है, ना ही कोई चुनाव होना है। उन्होंने कहा है कि आने वाले 10 साल तक अभी जो है लोगों को उम्मीद भी नहीं करना चाहिए कि नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई और देश का जो है आपको प्रधानमंत्री बन सकता है। लेकिन उन्होंने एक और बड़ी बात कही कि जदयू की ओर से वे पीएम मटेरियल हो सकते हैं, बीजेपी की इसमें कोई भूमिका नहीं है, बीजेपी की कोई दिलचस्पी नहीं है। तो कहीं ना कहीं देखिए, पीएम मटेरियल वाले बयान देने के साथ ही उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो बातें कही, इसके बाद एनडीए के भीतरखाने में हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार जी को प्रधानमंत्री बनाने वाले बयान के बाद जदयू और बीजेपी दो फार हो गई है। स्पष्ट तौर पे दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा जी कुछ और कह रहे हैं, लेकिन सम्राट चौधरी जी ने माकूल जवाब दिया है और उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वे जदयू की ओर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, लेकिन 10 साल तक, आने वाले 10 साल तक कहीं भी नहीं दिख रहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई और इस देश का प्रधानमंत्री बने। देखिए क्या कुछ कह रहे हैं सम्राट चौधरी जी, नीतीश सरकार के ही मंत्री हैं, पंचायती राज विभाग के मंत्री, आइए देख लेते हैं उनका ये वीडियो। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और किन्हीं को बनना है तो उसके लिए पहले या तो चुनाव की प्रक्रिया हो या वैकेंसी हो। अभी कोई वैकेंसी नहीं है। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2024 तक प्रधानमंत्री हैं और आगे भी अभी 10 साल तक दूसरे को इंतजार करना है किसी को प्रधानमंत्री बनना है तो। नीतीश कुमार में आपको झलक दिखती है पीएम? नहीं, नीतीश कुमार जी अपने पार्टी के जनता दल यूनाइटेड के प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं, इसमें कहाँ इश्यूज है, इसमें तो कोई इश्यूज ही नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के आज के तारीख में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और आगे के दिनों में भी देश के प्रधानमंत्री वही रहेंगे। जातीय जनगणना को लेकर नीतीश कुमार जी ने एक बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी से जातीय जनगणना को लेकर एक स्वाभाविक है। उन्होंने आपको कि जेडीयू प्रेशर बना रही है? देखिए, उनकी जेडीयू या नीतीश कुमार जी अपनी पार्टी की बात को रख रहे हैं और अपनी बातों को रखने के लिए वो स्वतंत्र हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं है। इसलिए उनका जो वक्तव्य है प्रधानमंत्री जी उस पर विचार करेंगे, देखेंगे क्या चीज़ नहीं है, क्या मांग कर रहे हैं, इन चीज़ों पर विचार किया जाएगा। औरंगाबाद में आपने वक्तव्य दिया कि चार सहयोगी हैं एनडीए में, इसलिए सरकार चलाने में दिक्कत हो रही है, कौन सी दिक्कतें हैं सर? नहीं, दिक्कत कहीं नहीं है। हमने ये कहा है कि चार पार्टियों के गठबंधन की सरकार है और सभी चारों के चार विचारधारा, तो सब अपने अपने विचारधारा को लाना चाहते हैं, स्वाभाविक है सब अपनी अपनी पार्टी को मजबूत करेंगे और हम भारतीय जनता पार्टी को भी मजबूत करने बैठे हैं, यही मेरा दायित्व है। इसलिए पार्टी को और मजबूत करने के लिए हम सबसे नंबर वन कैसे हो, अभी 74 सीट हमें मिली है, इसमें दिक्कत कहीं नहीं है। हमने ये कहा है कि चार पार्टियों के गठबंधन की सरकार है और सभी चारों के चार विचारधारा, 1996 से आदरणीय नीतीश कुमार जी को एनडीए ने नेता माना है, 2000 में मुख्यमंत्री माना है, 2005 में मुख्यमंत्री माना, 10 में मुख्यमंत्री माना, 20 में मुख्यमंत्री चुनाव के पहले हम लोगों ने माना, इसलिए ये कहाँ मानने का, नहीं मानने का सवाल उठता है।
हम पूरी तरह एनडीए के लोग आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार सरकार चला रहे हैं और आगे के दिनों में भी मजबूती से चलाते रहेंगे। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।